उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ए चीन, बी जापान, सी नॉर्थ कोरिया, डी फिलीपींस। आपका सही उत्तर है जापान। सवाल नंबर दो, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सिनेमा, बी अर्थव्यवस्था, सी साहित्य, डी खेल। आपका सही उत्तर है साहित्य। सवाल नंबर तीन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी राजा राममोहन राय, सी आर्मत्य सेन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है दयाराम साहनी। सवाल नंबर चार, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा नदी, बी सरयू नदी, सी गोदावरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका सही उत्तर है सरयू नदी। सवाल नंबर पाँच, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी एनी बेसेंट। आपका सही जवाब है इंदिरा गांधी। सवाल नंबर छह, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? ए बचेंदी पाल, बी रीता फारिया, सी आनंदीबाई जोशी, डी प्रिया झिंगन। आपका सही उत्तर है आनंदीबाई जोशी। सवाल नंबर सात, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी मणिपुर, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है गोवा। सवाल नंबर आठ, पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ए कश्मीर, बी झारखंड, सी पंजाब, डी केरल। आपका सही उत्तर है पंजाब। सवाल नंबर नौ, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ए आलामारा, बी देवदास, सी हरिचंद, डी तेरे मेहरबानी। आपका सही जवाब है आलामारा। सवाल नंबर 10, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ए 24 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 21 नवंबर 1952। आपका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 में। आप 10 में से कितने सही जवाब दे पाए कमेंट में जरूर बताएं।